का बयान, बोले खेल महाकुंभ हुआ नींव जिस पर भविष्य की भव्य इमारत खड़ी होगी। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने सीएम बेजन को लिखी चिट्ठी, बोले आदिवासी व्यक्ति आत्महत्या की हो निष्पक्ष जांच। यूक्रेन पर रूस ने बढ़ाए मिसाइल हमले, कई क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने का दावा। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई करने वाली लड़की गिरफ्तार, सेल्फी को लेकर बीच सड़क हुआ विवाद। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है। बम निरोधक दस्ता मौके पर आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, बता दें कि सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौके से मौजूद रहे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास के पास बम होने की सूचना मिली, वहीं पर तत्काल बम निरोधक मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहे, वहां पर कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली, वहीं मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद रहा। मिलने की सूचना मिली है, मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है, मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है, मौके पर आला अधिकारी मौजूद रहे, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है, वहीं पर मौके पर चप्पे चप्पे पर बम निरोधक दस्ता मौजूद रहा। चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, सीएम आवास के पास बम मिलने की सूचना मिली है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही इसको लेकर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि उनके आवास पांच कालिदास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता की टीम और LIU की टीम के साथ गौतमपल्ली इंस्पेक्टर और साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में जो सिपाही है वो पहुंच गए वहां पे और आसपास के जगहों की छानबीन होने लगी। उसके बाद मौके पर अधिकारियों के कहना है कि दिल्ली मुख्यालय में इस बात की गलत सूचना दी गई थी कि यहाँ पर जो बम लगा है। अब आपको बताएं कि इस मामले को लेकर अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जगहों को एहतियातन पूरी जांच की जा रही है और बम निरोधक दस्ता हर एक चीजों को देख रहा है, मगर जो मौके पर अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस तरह की बातें नहीं हुई है और इस तरह का दिल्ली मुख्यालय पर भ्रम फैलाया गया है। वहां मिस इन्फॉर्मेशन के तहत यहां तमाम गाड़ियां आई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो मुख्यालय पर जो सूचना दिया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। जी नंदनी, किसके तहत ये दिल्ली मुख्यालय पर सूचना मिली थी, व्हाट्सएप कॉल या किसके तहत?
जी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, हम अगर इस बात की सूचना होगी तो जल्द आपको बताएंगे और हम प्राइम टीवी इसका अपडेट देगा, मगर जो अधिकारी आला आप सब मौके पर मौजूद हैं, बात करें तो गौतम पल्ली इंस्पेक्टर मौजूद हैं, इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि गलत सूचना दी गई थी जिसके बाद एहतियातन वहां पे बम निरोधक दस्ता भेजा गया है, गौतम पल्ली इंस्पेक्टर वहां मौजूद है, साथ में अगर बात करें तो दर्जनों की संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद किया गया है और एहतियातन आस पास के जगहों को बम निरोधक दस्ता जांच कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिंदू राष्ट्र को लेकर विवादित बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी होगा। दुनिया में असली मजहब केवल इस्लाम है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में सनातन धर्म का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ही रामचरितमानस के बहाने हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे और अब सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी इस दौड़ में उतर आए हैं। कानपुर में महाशिवरात्रि के चलते शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों को सजाया जा रहा है। इन शिवालयों में बम बम बोलने के जयकारे गूंजने लगेंगे। हर बार की तरह इस बार भी शिव भक्त अपने आराध्य महादेव पर जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगेंगे। ऐसे में आनंदेश्वर, जागेश्वर, सिद्धनाथ, खेरेश्वर और वनखंडेश्वर जैसे शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटने की संभावना है। भीड़ को संभालने के लिए मंदिरों की प्रबंध कमेटियों ने महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगवाने के इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर देखा जाए तो कानपुर के परमठ मंदिर आनंदेश्वर में जो है पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था जो सीसीटीवी फुटेज और देखा जाए तो कानपुर पुलिस कमिश्नर जो है बीपी जोगदंड और ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैनाती कर ली गई है और देखा जाए जगह जगह बैरिकेडिंग मंदिर पर, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं देखा लाखों की जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे इस मंदिर दर्शन करने आए, बाबा के दर्शन करने आएंगे और देखा जाए तो आज शाम को जो पट है वो शाम 7 बजे से खुल जाएंगे और रात 2 बजे जो मंगला आरती के बाद लोग दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, और उसके बाद देखा जाए तो आनंदेश्वर मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर और बर्रा का भोलेश्वर मंदिर जो है उस पर जो है लाखों की तादाद जो भक्त है वो मौके पर पहुँचेंगे। और देखा जाए तो समस्या ये देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो साफ सफाई के मामले को लेकर के अभी नगर निगम की टीम यहाँ नहीं पहुँची है। यहाँ के लोग श्रद्धालुओं को साफ रहना है, साफ सफाई में भी थोड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है और जलकल पुलिस जो है पूरी तरीके से गंगा जी किनारे पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जलकल पुलिस पूरी तैनात रहेगी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। कैमरासन हिमांशु साथ उपेंद्र अस्थाना कानपुर। अमेठी में परितोष तिराहे पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर तीनों अभियुक्तों ने कहा कि जगह 5 से मोटरसाइकिल चुराई गई है। मुंशीगंज थाना प्रभारी ने चोरी की 7 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं SP इलामारा ने घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को जेल भेजा है। जनपद अमेठी का मुंशीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों को कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसमें 2 थाना गौरीगंज अमेठी से लिंक हुआ है, चोरी किया है। 2 मोटरसाइकिल सुल्तानपुर से ट्रेस किया है, बाकी 3 गाड़ियों का ट्रेस किया जा रहा है। इसमें 3 लोग जिसमें गिरफ्तारी किया है, ये इसमें एक ही के खिलाफ ऑलरेडी कुछ मुकदमा है, अभी तीनों का भी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में बिल्डिंग के नीचे मलबे में दबे परिवार वालों को सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए NDRF टीम तुर्की पहुंची थी, जिसने लगातार दिन रात मेहनत करते हुए रेस्क्यू को जारी रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद NDRF की टीम भारत देश वापस लौट आई है, जहां हिंडन एयरपोर्ट पर एयरफोर्स पर लैंडिंग होने के बाद इस टीम का एक भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजकीय स्टेडियम में एक अनोखे तरीके से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में खिलाड़ी धोती और कुर्ता में मैच खेलते हुए दिखाई दिए। मैच की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हुए और मैच की कमेंट्री संस्कृत भाषा में की गई, जिसमें भुवनेश्वर महेश्वरानंद गुरुकुल और श्रीकृष्ण संस्कृत उच्चकर माध्यमिक विद्यालय के छात्र भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं।
संस्कृत भाषा को एक सीमा में न बांध करके यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाए। संस्कृत का भी छात्र संस्कृत भाषा भी सारे कार्य वो कर सकती है जो अन्य भाषाओं में सक्षम है। लोगों को इस भाषा के प्रति जागरूकता हो ऐसा उद्देश्य रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। किस टीमों के बीच मैच हो रहा है और कितने ओवरों का होगा? ये मैच हमीरपुर और जालौन जिला के बीच में हो रहा है। हमीरपुर में श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय झलोखर और श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जालौन के बीच ये अद्भुत और ऐतिहासिक पल हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय का बड़ा आशीर्वाद और योगदान रहा, जिसके कारण ये स्वप्न से लगने वाला कार्यक्रम साकार सा होता दिख रहा है। हमीरपुर झलोखर महाविद्यालय और उदई के एक संस्कृत महाविद्यालय, दो महाविद्यालयों के बच्चों के बीच में संस्कृत प्रतियोगिता है। और संस्कृत प्रतियोगिता इसलिए कि जो क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है ये पूरी संस्कृतमय रहेगी। यहाँ के आचार्यगण ने ये व्यवस्था किया है कि इसका संपूर्ण संचालन संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा। कमेंट्री भी संस्कृत में होगी। आप लोग देखे हैं कि जो बटुक आए हैं वो बिल्कुल भारतीय बटुकों की वेशभूषा में हैं और उसी तरह से क्रिकेट के समस्त नियमों का पालन करते हुए क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। अलीगढ़ में हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांवर लेकर आ रहे श्रद्धांजलि को एक युवक बियर बांटता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी युवक को गिरफ्तार करना चाहिए। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वीडियो वायरल हुआ था कि जो रामघाट रोड पे कोई व्यक्ति कांवड़ियों को बियर बांट रहा है, इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है। एक्साइज वालों ने भी दुकान वाले के खिलाफ कार्रवाई की है कि उसने इतनी मात्रा में बियर एक साथ कैसे बेच दी। साथ ही जो आदमी दिखाई दे रहा है पुलिस द्वारा उसके खिलाफ अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके से एक मोटरसाइकिल और 14 कैन बियर भी बरामद की गई है और जिसकी मोटरसाइकिल है उस आदमी का पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही उसको पकड़ के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर गत वर्षों के लिए इस साल भी भारत जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी प्रेम सिंह सैरी के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने कैंप लगाया। ये कैंप आपसी सहयोग से हरिद्वार से जल भर कर ला रहे कांवरियों के सेवा के लिए आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ इलाके के लोगों ने कांवरियों की सेवा की। भंडारा हम 13 सालों से लगातार इसी चौराहे पर लगा रहे हैं और लगातार हम भोलों की सेवा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश क्या है, भोले जी का सेवा करना चाहते हैं और भोले जी की सेवा में लगे रहे हैं। मेरा नाम मुस्कान है। बताइए यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ 13 साल से सेवा करते आ रहे हैं भोले की। हजारों की तादाद पर हमारे यहाँ भोले जी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ये सब जो भी खाने पीने का है ये सब ग्रहण करते हैं। बुलंदशहर में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सीओ के आदेश की त्रिवेणी शुगर मिल के प्रबंधन ने धज्जियां उड़ाई है। प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान 15 तारीख से 18 तारीख तक गन्ना बंद करने के निर्देश दिए गए थे। शिवरात्रि महापर्व पर भी लगातार गन्ना से लदे ट्रैक्टर और ट्रक चलवाया जा रहा है। देखिए थाना पहासू के कस्बा चौकी पर थाना प्रभारी पहासू, चौकी प्रभारी जो कस्बा चौकी हैं उन सभी लोगों की उपस्थिति में जो यहाँ कस्बा पहासू के गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी समुदायों के लोग यहाँ उपस्थित थे जी। उनकी एक 30 कमेटी की बैठक आगामी जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आगामी जो वैलेंटाइंस डे है, उसके संदर्भ में किया गया जी। जहाँ लोगों से पूर्व में क्या क्या समस्याएं रही हैं इसके संबंध में जानकारी ली गई, ताकि उसको आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए इस पर चर्चा की गई जी। सर जो यहाँ कस्बा पहासू की एक प्रमुख समस्या है कि यहाँ साबितगढ़ में जो चीनी मिल है तो उन जिलों के ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्नों का परिवहन होता है, तो हम लोग जो है ये प्लान कर रहे हैं कि 15 तारीख की दोपहर के बाद से ही ट्रैक्टर ट्रॉली का जो संचालन है वो पूर्णतया प्रतिबंधित कर देंगे, ताकि कांवड़ियों को इस मार्ग में संचालन करने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। सही बताओ, सही क्या?
हमीरपुर में जिला प्रशासन के अनोखी पहल देखने को मिली है। राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में श्लोक और संस्कृत भाषा सुनाई दिया गया, साथ ही पूरे क्रिकेट मैच के दौरान संस्कृत भाषा की कमेंट्री हुई। खिलाड़ियों ने धोती कुर्ता पहनकर मैच खेला। ये मैच उरई और हमीरपुर जिले के बीच खेला गया है। श्रावस्ती में चार घरों में चोरी हुआ और गांव के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की घटना घटित हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर श्रावस्ती पुलिस के आलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। एसपी प्राची सिंह ने क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार चौबे के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण के लिए क्राइम ब्रांच सहित तीन टीमें लगाई थी। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिरसिया अंतर्गत जमनी कला गांव पड़ता है, जहां पे एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। सुबह 9 बजे के लगभग जब वहां पुलिस टीम पहुंची तो उस बॉडी को कब्जे में लेकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। इसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी टीम और थाना सिरसिया की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर उस बॉडी की पहचान कर ली। ये जो मृतक था इसका नाम सुखराम था, सन ऑफ भगन कोरी, जो कि सोनवा का हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर नंबर 31, और इसके ऊपर 12 मुकदमे थे। जब इसकी पत्नी से बातचीत की गई तो उसकी निशानदेही पे जो और टीम्स थी उनका गठन किया गया। उसी के मद्देनज़र 17 तारीख की सुबह लगभग 2 से 3 के बीच में पुलिस पार्टी की चेकिंग लगाई गई थी सिरसिया में, जहां पे 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दे और मुखबिर की सूचना पे ऐसा लग रहा था कि ये वही लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।